अगर सराउंडिंग के अलावा मतलब क्या, अगर लॉर्ड सराउंडिंग से बोलना है तो स्टेफन हॉकिंग्स के वर्ड्स में द थियोरी ऑफ एवरीथिंग। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग इज व्हाट, फिजिक्स कह कह सकते हैं। सकते। अच्छा और कोई बताओ। A subject to understand why and how everything happens. Everything happens. ठीक है, बहुत बढ़िया। Basically कह सकते हैं कि हाँ बोलो बोलो बोलो। Anything that is related to a property or something, any phenomena, a property, anything is physics. Basically physics को और अच्छे से जाएंगे तो हम पढ़ेंगे साइंस के बारे में। साइंस बेसिकली क्या है, साइंस इज स्टडी ऑफ नेचर। वो एवरीथिंग जो तुम वर्ड बोल रहे हो ना, द बेटर वर्ड वुड बी नेचर। नेचर में जो कुछ भी हो उसका स्टडी को क्या कहेंगे हम, उसको कह सकते हैं साइंस। और उसका एक पार्ट है फिजिक्स। और फिजिक्स क्या होता है, अब तो पहुंच सकते हो धीरे धीरे। फिजिक्स कैन बी सेड एज द स्टडी ऑफ नेचुरल लॉज, लॉज ऑफ नेचर। नेचर में क्या क्या लॉज हैं, लॉज समझते हो, लॉज सिद्धांत, क्या क्या सिद्धांत है, क्या क्या ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि प्रूफ नहीं की जा सकती है, क्या क्या चीजें हैं जिसके हिसाब से, जैसे ग्रेविटेशन लॉ, दो बॉडी है आपस में इंट्रैक्ट कर रहा है, आपस के बीच में आपस में एक दूसरे पे इंट्रैक्ट कर रहा है, तो वो कैसे अट्रैक्ट करेगा, कितना इंट्रैक्ट करेगा, कैसे फोर्स लगाएगा एक दूसरे पे, दो चार्जेस हैं अट्रैक्ट करेंगे रिपेल करेंगे, ये सब जो लॉज के स्टडीज है ना, दीज आर कॉल्ड फिजिक्स। ये जो लॉज पढ़ते हैं नेचर में जो कुछ भी हो रहा है, सोचो जो कुछ भी हो रहा है क्या क्या, बोलो कुछ चीजें बोलो, वी कैन स्टडी दैट इन फिजिक्स, आई कैन रिलेट इट टू फिजिक्स, बोलो कुछ भी, एनीथिंग, व्हाट यू सी, व्हाट एवर यू सी, ग्रेविटी, ग्रेविटी, तो ये तो बिल्कुल फिजिक्स है। तुम कुछ भी तुम्हारे आसपास दिख रहा है, कोई भी एक फिनोमेना हो रहा है, अच्छा तुमने बोला है कोरोना, कोरोना क्या फिनोमेना है, कोरोना तो एक वायरस है जो कि फैल रहा है, कैसे फैल रहा है, किस चीज से फैल रहा है, एयर में सस्पेंशन, एयर पे सस्पेंशन, या फिर जो थ्रो जा रहे हैं जो ड्रॉपलेट्स हैं उसके थ्रू फैल रहा है। तो ड्रॉपलेट्स के अंदर क्यों फैल रहा है, तो ड्रॉपलेट्स के अंदर इसलिए है क्योंकि ड्रॉपलेट्स में जगह है, ठीक है, ड्रॉपलेट्स में है तो ड्रॉपलेट्स कैरी कर पा रहे हैं क्योंकि हल्के हैं, क्योंकि आसपास एयर है, तो कोरोना तो वायरस है, ठीक है। और बोलो बोलो फिनोमिना, बोलो क्या बोल रहे थे, कुछ कोई कोई कुछ बोल रहा था, कोई भी आसपास है फिनोमिना बोलो, पंखा घूम रहा है, इसके अंदर एक मोटर लगा हुआ है जिसकी वजह से घूम रहा है, और मोटर ईटिंग फूड, हम फूड खाते हैं तो क्योंकि हमको एनर्जी चाहिए होती है। देखो अब बात करते हैं फूड के बारे में, देखो जिसको अगर मान लो बायोलॉजी में इंटरेस्ट हो उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। अगर मान लो बायोलॉजी, बॉडी के अंदर फिजिक्स दिखता है कि नहीं दिखता, हमें बॉडी के अंदर कितने एग्जांपल्स बता सकते हो फिजिक्स के, तो बता सकता है तीन चार एग्जांपल बता दो। हार्ट बीट बीट करता है, दैट एक्ट्स एज अ पंप, पंप, एंड इन वेन्स आवर ब्लड फ्लोस, ब्लड फ्लो करता है वेन में, हमारे ब्लड फ्लो करता है, तो दैट इज व्हाट, दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स, that is actually fluid mechanics that we are going to study, motion of joints बता सकते हैं, motion of joints कैसा होता है इसके हिसाब से, कौन सा joint है, ये ball and socket joint है, यहाँ पे तुम्हारा ये hinge joint है, अलग अलग type के joints है जो पढ़ने हैं, ठीक, so those are the part of physics, ठीक। और फिर अगर मान लो बोलते तुम जैसे खाना खा रहे हैं, हम लोग खाना खा रहे हैं तो हमारे, हम खाना क्यों खाते हैं, क्योंकि हम वर्क करते हैं, और वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। हम कुछ वर्क करते हैं तो हमें क्या चाहिए, वर्क को करने के लिए क्या होता है, किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, एक वर्ड आता है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी, एनर्जी इज वॉट, कैपेसिटी टू डू वर्क, तो फ्रॉम वेयर वी विल गेट द एनर्जी, इम्पल्स ट्रांसमिटिंग फ्रॉम न्यूरोन टू न्यूरोन, अंजलि मोरे जादी अंदर चले गए, गुड, बहुत बढ़िया, इम्पल्स ट्रांसमिशन होता है, बिल्कुल होता है, कैसे सिग्नल्स जाते हैं, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में ट्रैवल करते हैं, जो इम्पल्स ट्रांसमिशन होता है ना वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में होता है, ठीक है, कहाँ आ गए, इलेक्ट्रॉनिक्स में वापस से आ गए, सिग्नल्स में आ गए, दिस इज ऑल फिजिक्स, दिस इज ऑल फिजिक्स। जो भी हम आसपास में नेचुरल लॉज की बात करेंगे, जो भी बात कर रहे हैं हम लोग आसपास में नेचर में,
जिसके हिसाब से पता चल रहा है कि नेचर इस तरीके से वर्क करता है, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स. थ्योरी ऑफ एवरीथिंग इज समथिंग एल्स. थ्योरी ऑफ एवरीथिंग दे मीन टू से समथिंग एल्स. वो बोलना चाहते कि थे एक एक ही लॉ है, जैसे हम पढ़ते हैं ना कूलम्स लॉ पढ़ते हैं, ग्रेविटेशन लॉ पढ़ते हैं, और क्या कहते हैं मैग्नेटिज्म के लिए बायट सेवर्ट लॉ पढ़ते हैं, तो सबके लिए अलग अलग लॉस पढ़ते हैं. उन्होंने बोला था ही वॉन्टेड टू टेल कि फीलिंग इमोशंस क्या लिखा, फीलिंग एंड इमोशंस, सोल, फीलिंग इमोशंस, गॉड, दीज आर द थिंग्स दैट आवर साइंस इज स्टिल फाइंडिंग. फीलिंग इमोशंस तो बेसिकली फीलिंग इमोशंस तो बोल सकते हैं, वी आर एबल टू फाइंड इट. इट इज ऑल कि हमारे बॉडी में हार्मोन सिक्रीशंस होते हैं, हमारे बॉडी में हार्मोन के सिक्रीशंस होते हैं जो कि सिग्नल भेजते हैं मेरे दिमाग को, हमारे दिमाग को सिग्नल भेजते हैं कि ऐसा ऐसा हमारे बॉडी में ऐसा ऐसा हो रहा है, और सबके लिए रोड मैप बना हुआ है कि हाँ ये ऐसा हो, ये वाला सिग्नल भेज रहा है, डोपामीन भेज रहा है तो खुश हो जाएंगे, एड्रेनालिन भेज रहा है तो बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे, तो ये सब एकदम फिक्स है कि हाँ ये वाला भेजा तो ये इस तरीके से दिमाग सोचेगा. ठीक है, तो बेसिकली ये सब कुछ बिल्कुल एक एक लॉ की तरह है, एक लॉ की तरह ही है कि हाँ ये वाला रिलीज हुआ बॉडी में. झूठ बोलते हैं, सुने होंगे लाई डिटेक्टर नाम सुना है ना, लाई डिटेक्टर वगैरह क्या करते हैं, कुछ ये लगाते हैं तुम्हारे बॉडी में और उसके बाद फिर तुमसे बोलवाते हैं और ट्राई करते हैं, क्या करते हैं कि अगर झूठ बोलेगा तो पता चल जाता है. कैसे पता चलता है, हमारे बॉडी में जब हम झूठ बोलते हैं तो वी गेट इनसिक्योर, और इनसिक्योर होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है ना कि झूठ बोलने के टाइम पे एक क्या होता है, एक तुम्हारा हार्मोन सीक्रेट होता है जो कि सिग्नल भेजता है दिमाग को, दैट वी गेट टू नो कि उस टेस्ट से पता चलता है कि वो सिग्नल, वो चीज रिलीज हुई अगर कोई झूठ बोल रहा है तो. ठीक है, तो वो सारी चीजें, वो भी बहुत हद तक एक्यूरेट तो कह नहीं सकते बॉडी के अंदर क्या रिलीज हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बहुत हद तक बताई जाती है कि ये झूठ बोली जा रही है या सच बोली जा रही है. ठीक, तो ये सारी चीजें हम रिलेट कर सकते हैं, और कैसे करते हैं, हमने एक डिवाइस बना के रखे हुआ है सामने, हमने एक डिवाइस रखा हुआ है सामने जिससे मेजर कर रहे हैं कि आदमी के अंदर ये चीज रिलीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है. एक ब्लड का छोटा सा चार ड्रॉप लेते हैं और उससे पूरा इतना बड़ा सा रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं. तो कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल हो सकता है उसके अंदर, जैसे MRI स्कैन कराया तुमने, किसी ने तो कराया होगा, ये आप सुना होगा, फिर मैं नहीं बोल रहा हूँ कराने के लिए, किसी की नौबत नहीं है. ठीक है, MRI स्कैन होता है ना, कराया तुमने. ठीक है, तो MRI स्कैन जो होता है वो क्या होता है, MRI स्कैन में क्या होता है, हमारे स्कैन में बेसिकली तुम्हारे बॉडी के जितने भी आयंस है, तुम्हारे लिक्विड है जितने, उसके आयंस यूनिडायरेक्शनल कर दिए जाते हैं जिससे पता चलता है, उसके बाद उसकी फोटो ली जाती है. ठीक है, वो बॉडी के अंदर डालता है ना, तो उसमें तुम्हारा स्कैन करके आता है चीजें कि क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीजें. जैसे एक्सरे सुने होंगे, हाथ पर तोड़ के रखा है किसी ने, तोड़ा किसी ने हाथ पर, नहीं तोड़ा, मैंने तो 6-7 क्लास में कंटिन्यूसली 2 साल तोड़ा था. ठीक है, 6 में राइट हैंड, 7 में लेफ्ट हैंड, तो मस्त ऐसा बदला था ना, तो 6-7 में तोड़ के रखा, तो हर साल मुझे जाना पड़ता था क्या कहते हैं एक्सरे कराने के लिए. तो एक्सरे क्या होता था, एक्सरे में क्या होता है, एक डिवाइस है जिसके अंदर क्या निकलता है, एक एक्सरे ही निकलता है, एक्सरे निकलता है, वो दिखता नहीं हमारे आंखों को, लेकिन वो क्या करता है, वो इतना पावरफुल होता है कि वो हमारे हड्डी के, ये बोन मसल के अंदर, स्किन के अंदर घुस के हड्डी की फोटो खींच देता, तो पेनिट्रेशन पावर उसका बहुत ज्यादा होता है. उसका लॉस वगैरह कहाँ से है, दैट इज ऑल फिजिक्स. हम पढ़ेंगे एक्सरे के बारे में, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, एक्सरे एक टॉपिक है तुमको पढ़ना है एकदम एंड में, 12th के बिल्कुल एंड में पढ़ना है. तो एक्सरे वगैरह टॉपिक है, कैसे पेनिट्रेट कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या होता है, कैसे जनरेट होता है एक्सरे. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो आसपास में जितनी भी चीजें दिख रही है तुमको, यू कैन समहाउ रिलेटेड टू फिजिक्स. जो भी लॉज है तुम्हारे आसपास, तुम जमीन से चिपक के खड़े हुए हो, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, चार्ज कहीं पे जा रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सारी चीज तो इस तरीके से देखो, फिजिक्स पढ़ने का तरीका ये रहेगा कि हम रियल लाइफ सबसे पहले चीजें देखेंगे कि रियल लाइफ में कहाँ पे है इफेक्ट कर रहा है ये चीजें. और ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो रियल लाइफ में कहाँ पे इफेक्ट कर रहा है, मोशन पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें कहीं पहुंचना है, कहीं ना कहीं ट्रैवल करना है, तो ट्रैवल करना है तो बाई फार वट कुड बी द कितने समय पहुंचेंगे, कितना दूरी होगी, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंस रखती है. हमारे मोशन पढ़ने से भी होता है कि हमारे आसपास अर्थ का मोशन कैसा हो रहा है, मून का मोशन कैसा हो रहा है, अर्थ किस तरीके से इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, दैट इज ऑल इन ग्रेविटेशन एंड ईच एंड एवरीथिंग. तो बेसिक हम सवाल पूछेंगे शुरुआत में, ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं. ठीक, उसके बाद
एक बेसिक नॉलेज लेंगे उसका, लेकिन फिर उसके बाद हम वहां पे रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमें बोर्ड सिर्फ पढ़ना नहीं, हमें क्या पढ़ना है, जेई के प्रिपरेशन करना है. वी वांट टू डू प्रिपरेशन. जो 10-15 लाख बच्चे तुम्हारे साथ कर रहे हैं, और 10-15 लाख में से कितने बच्चे पास होंगे, 15,000 बच्चे, 10,000 बच्चे, 15,000 बच्चे सिर्फ IITs में जाएंगे. ठीक है, तो यू हैव टू बी गुड. ठीक है, यू हैव टू बी इन टॉप 1%. ठीक है, तुमको अगर अच्छा करना है, बहुत अच्छा करना है, तो यू हैव टू बी एटलीस्ट इन टॉप 1% टू गेट अ सीट इन वॉट यू वॉन्ट टू बी. ठीक है, जहां जिस कॉलेज में तुमको जाना है उसके लिए तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. तो बहुत मेहनत करने के लिए एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पैटर्न बताए हुए हैं कि हाँ इस तरीके से पढ़िएगा, ऐसे पढ़िएगा, इस तरीके से सोचिएगा, ऐसे क्वेश्चन लगाइएगा, तो यू विल गेट टू दैट इंस्टीट्यूट. ठीक है, तो वो चीजें तुम्हें करनी है. तो हमें अगले 2 साल में, अभी तो बहुत बेसिक से स्टार्ट करूंगा, 9th-10th के बहुत बेसिक बेसिक चीजें वापस से हम पढ़ेंगे. कल प्रोबेबली मोशन पढ़ेंगे हम लोग. ठीक है, तो बस बेसिक बेसिक चीजें करेंगे, फिर एक आध महीने जब ये सिलसिला चल जाएगा उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एटलीस्ट 3-4 वीक्स. फिर हम स्टार्ट करेंगे 11th के बेसिक टॉपिक्स, जो कि कह सकते हैं कि वो भी 11th का नहीं है, वो मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स है, जैसे वेक्टर्स हो गया, कैलकुलस हो गया, ये सारे टॉपिक्स. ठीक है, तो अभी हम लोग बहुत ही बेसिक पढ़ेंगे, 9th-10th के टॉपिक ऐसे ऐसे पढ़ेंगे. लेकिन फायदा उससे क्या होगा ना, कि वो चीज़ें एक बार पढ़ रखेंगे ना, तो वही चीज़ें बाद, जैसे ऑप्टिक्स थोड़ा सा पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स थोड़ा सा पढ़ेंगे, तो जब मैं ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा तो मैं आइडिया रहेगा कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें आने वाली है. ठीक, जैसे मैं मोशन पढ़ाऊंगा, मोशन के बारे में क्या पढ़ाऊंगा, बेसिक बेसिक 3 इक्वेशन, बेसिक बेसिक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड. उसके बाद जब मैं अच्छे से जब टॉपिक स्टार्ट करूंगा 11th वाले टॉपिक, तो उसमें क्या होगा, तुम्हें बहुत आसानी होगी, उसमें बहुत आसानी होगी, तुम्हें लगेगा अच्छा ये तो बड़ा आसान है. अब हम उस पर फिर लेवल बढ़ाऊंगा धीरे 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 धीरे. अगर उसमें लेवल बढ़ाऊंगा ना, तो तुम्हें मजा आएगा. फिर एक बार सीख रखोगे अच्छे से, बहुत सारे बच्चों, मैं नहीं बोल सकता कि 9th-10th में कितने अच्छे से किसने पढ़ा है फिजिक्स, कितने अच्छे से नहीं पढ़ा है, और बहुत सारे के तो सिलेबस भी कम होते हैं. स्टेट बोर्ड में कंपैरेटिवली सिलेबस ICSE और CBSE कंपैरेटिव में थोड़े से फिजिक्स के या फिर साइंस के सिलेबस कह सकता हूँ थोड़ा कम होता है, तो उस हिसाब से हमें थोड़ा ख्याल रखना होगा. ठीक है, तो प्रायोरिटी तो ये रखना है. तो कल से स्टार्ट करते हैं, हम कल से पढ़ाई करते हैं. आज जो इंट्रोडक्शन वगैरह करना था, बातें वगैरह करना था, वो कर लिया हमने. ठीक, तो अब कल से स्टार्ट करते हैं मजे में. ठीक है, कोई दिक्कत, कोई सवाल किसी को, माइक ऑन करके बोल सकते हो, सर हिलाने से मुझे पता नहीं चलता. चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके. मुझसे मिलके अच्छा लगा कि नहीं लगा? हाँ सर. ये देखो ये हमें पूछना पड़ रहा है मुझे. चलो बढ़िया है, मस्त रहो, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से, बहुत स्लोली, बहुत ही धीमे धीमे चलेंगे. किसी को कोई भी दिक्कत हो, बिल्कुल इंट्रोवर्ट बन के नहीं रहना है, कि कोई शर्म हया की बात नहीं है. अगर कुछ नहीं आता है तो हम सीखने आए हैं. ठीक है, कोई छोटी से छोटी चीज भी नहीं आती है, छोटे से छोटे डाउट भी नहीं आते हैं, तो हमें क्या करना है, पूछना है. और इंटरेक्टिव बनना पूरा, सबसे बड़ा यही मोटिव रहेगा. ये देखो एक चीज है जो गैप है, एक फोन स्क्रीन है हमारे बीच में. आई कैन नॉट गेट इन टू यू, मैं सामने तुम्हारे पास नहीं जा सकता हूँ, तो बोल के नोटबुक खुला के तुमसे देख नहीं सकता हूँ कि हाँ क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, एग्जैक्टली नहीं कह सकता हूँ, मैं बहुत हद तक कर सकता हूँ. तो तुम्हें थोड़ा सा इनपुट अपने तरफ से रखना पड़ेगा, थोड़ा अटेंटिव रहना पड़ेगा, थोड़ा इंटरेस्ट बना के रखना पड़ेगा ओवरऑल. ठीक है, रखोगे सब? यस सर. हाँ भाई, ऐसा कोई अब होगा, कुछ बैच में होगा, स्टार्ट करेंगे तो कुछ बच्चे होंगे जो जल्दी जल्दी जवाब देंगे, कुछ बच्चे होंगे उनको देख के डिमोरलाइज हो जाएंगे. ऐसा नहीं करना, बिल्कुल तुमको नहीं आ रहा है बिल्कुल पूछो, बिल्कुल दिक्कत हो रही है बिल्कुल पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई पता नहीं तुम्हें जो आ रहा है, हो सकता है तुम मेहनत करो तुम उससे आगे निकल जाओ. मैंने देखा है बच्चों को, मेहनती बच्चे हमेशा आगे निकले हैं, तेज बच्चे हैं अपनी जगह पे, लेकिन तेज बच्चे जहां मेहनत छोड़ेंगे तो वहां पे दिक्कत हो जाएगी उनको. तो सबसे पहला तुम्हारा जो बहुत सारी चीजें बचपन में सुनते होगे, बहुत सारी चीजें बचपन में सुनते होगे ना, ये होता है वो होता है, अलग अलग पॉइंट सुनते हो तुम्हारा, अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें लाओ, बहुत सारी चीजें लाओ, लेकिन एक चीज जो सुनते होगे दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन. और डिसिप्लिन इन योर वर्क, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छा ड्रेस पहन लो और अच्छे से ये पहन लो, जूता अच्छा पॉलिश होना चाहिए, दैट इज नॉट डिसिप्लिन. डिसिप्लिन तुम्हारे काम में होनी चाहिए. अगर कुछ काम कर रहे हो तो उसको सलीके से करो, कुछ भी कर रहे हो जीवन में, कुछ भी कर रहे हो, बिल्कुल जीवन का पार्ट पर आ रहा हूँ, कि जीवन में कुछ भी कर रहे हो, लाइफ में छोटा से छोटा काम क्यों ना कर रहे हो, डिसिप्लिन होकर करो उस चीज को, बिल्कुल ऐसे करो, शिद्दत से करो, तभी वो अच्छे से हो पाएगी, तभी तुम्हें वो आउटपुट दे पाएगी.
तुम चैप्टर्स कर डालोगे, पढ़ डालोगे, लेकिन अच्छे से जब तक नहीं करोगे, डिसिप्लिन वे में नहीं करोगे ना, जैसा आप टीचर बता रहे हो उस तरीके से नहीं करोगे, तो फिर कल कल को तुमको दिक्कत थोड़ा ना थोड़ा हो जाएगी। ठीक, तो हमारा पूरा मोटिव अगले 2 साल का यही है कि धीरे 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 चलना है, बहुत लंबे लंबे छलांग नहीं मारेंगे, जब समय आएगा तो मारेंगे, जब समय आएगा जब तुम सीखने लोगे, मुझे पता चल जाएगा कि तुम सीखने लग रहे हो, तो लंबे लंबे छलांग भी मारेंगे, तुम जिस स्पीड से दौड़ोगे मैं उसी स्पीड से दौड़ूंगा। ठीक है, तो साथ साथ चलना है, रेजोनेट होके चलना है। रेजोनेट वर्ड समझते हो, रेजोनेट सुनते हो, पता है रेजोनेंस, किसी को पता है रेजोनेंस क्या होता है? दो चीजों, यस, कभी एक एग्जांपल देखोगे, एक रेजोनेंस ट्यूब होता है, एक रेजोनेंस ट्यूब होता है ऐसे, उसके पानी का लेवल ऊपर नीचे कर सकते हैं, और दूसरा एक ट्यूनिंग फॉर्क जानते हो, ट्यूनिंग फॉर्क इस टाइप का होता है, ट्यूनिंग फॉर्क ऐसा दिखा, ऐसा होता है मेटल का इस टाइप का, ठीक है, इसको वाइब्रेट कराते हैं और वो ऐसा, और ऐसा ट्यूब होता है, इसके अंदर पानी भरा होता है कुछ लेवल तक, ठीक है, और ये जो ट्यूब होता है ना, इसके लेंथ के हिसाब से इसका अपना फ्रीक्वेंसी होता है, इसका अपना फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, जब ये लेंथ के हिसाब से इस तरीके आ जाए, इसकी और इसकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है ना, तो एक लाउड साउंड क्रिएट होता है, तो जब डिराइव फ्रीक्वेंसी से कहते हैं डिराइव फ्रीक्वेंसी, और इसे कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी क्या है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, और मेरी फ्रीक्वेंसी क्या है? डिराइव फ्रीक्वेंसी है, तो जब ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी और डिराइव फ्रीक्वेंसी दोनों मैच करेगी ना, दोनों मैच करेगी, तो रेजोनेट होगा, रेजोनेंस होगा तुम्हारे हमारे बीच में, ठीक है, तो तभी आउटपुट रिजल्ट बहुत बढ़िया निकलेगा। तो ये फिजिक्स का एक कंसेप्ट है, लेकिन ये रियल लाइफ में भी बहुत अच्छे से किया जा सकता है। एक बार सर आपने अपना माइक म्यूट कर दिया, देखो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है कि तुम्हारा आवाज आ रही मेरी सबको? यस सर। मैं बोल रहा हूँ कि रियल लाइफ में भी एक बार क्या हुआ था ना, कि एक ब्रिज है, एक ब्रिज था, नया नया ब्रिज बना, उस पर से फौज जा रही थी, एक फौज की एक बटालियन जा रही थी, तो पता है फौज के चलने से वो ब्रिज टूट के गिर गया, फौज के चलने से वो ब्रिज टूट के गिर गया, बताओ क्यों कैसे? क्योंकि जो फौज जो लैप ले रही थी ना, उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी होगी, एक फ्रीक्वेंसी थी, और वो फ्रीक्वेंसी मैच कर गई तुम्हारे ब्रिज के फ्रीक्वेंसी से, तो फ्रीक्वेंसी मैच होने से ब्रिज ऑसिलेट करने की कोशिश किया और ब्रिज टूट के गिर गया। तो ये होता है एक आउटपुट, बड़ा आउटपुट आना, तो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी और मेरा फ्रीक्वेंसी मैच जब करेगा ना, तभी हम अच्छे से आउटपुट दे पाएंगे, बड़ा आउटपुट दे पाएंगे। ठीक है, सबको तैयार है, तो फिर स्टार्ट करें अच्छे से, बढ़िया से, हाई एनर्जी पे है सब? हाँ सर। बिल्कुल लो एनर्जी नहीं रखना, बिल्कुल हाई रखना है, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से तैयारी करना, बिल्कुल बढ़िया से फोड़ देंगे, और आराम आराम से फोड़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, हम बिल्कुल आराम से करेंगे, धीमे धीमे करेंगे, हम बहुत अच्छे से, पहला बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, मतलब फर्स्ट बैच है तुम्हारा, फर्स्ट बैच है, तो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा समय है, तो धीमे धीमे हम लोग कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, जो नहीं आती है, जो नहीं करते हैं वो कर सकते हैं, और किसी को नंबर नोट कर, नंबर नोट कर लो, कोई सा डाउट है, कैसा भी डाउट हो, कोई सा भी कुछ भी हो, तुम लोग मैसेज कर सकते हो मुझे, ठीक है, बढ़िया, यस सर, चलो चलो ठीक है, कल मिलते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन? सर नेक्स्ट क्लास कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें? क्या स्टार्ट करें बताओ, आई थिंक मोशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हाँ सर चलेगा। बेसिक सा टॉपिक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत बेसिक बेसिक सा चीज पढ़ेंगे, 9th में जो पढ़ रखते हैं, थोड़ी अच्छी अच्छी ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जिससे तुम्हारा दिमाग खुलेगा, ठीक है, पहले थोड़ा पजल वजल ही करेंगे, थोड़ा सा दिमाग खोलेंगे, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है, चलो एंड कर रहा हूँ लेक्चर, ठीक है, चलो बाय, बाय सर, थैंक यू, बाय, नहीं 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 पूरा कोई जरूरत नहीं अभी टेक्स्ट बुक की, ठीक है, बाय सर।